प्रकाश जावड़ेकर और नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसलों को लेकर एक प्रेस वार्ता की। यहां जावड़ेकर ने कहा कि शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के तहत केंद्र प्रायोजित नई योजना के तौर पर स्टार्स प्रोजेक्ट को शुरू किया जाएगा। 6 राज्य इसके दायरे में आएंगे और इनमें हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल और ओडिशा का नाम शामिल है। तो वहीं जावड़ेकर ने बताया कि ये प्रोजेक्ट विश्व बैंक द्वारा समर्थित है। उन्होंने कहा कि ये योजना सुनिश्चित करेगी कि अब शिक्षा का मतलब रट्टा लगाकर पढ़ाई करना नहीं बल्कि समझ कर सीखना होगा। कैबिनेट ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए करीब 520 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज को भी अनुमति दी है। अभी शिक्षा से क्या समझा, लर्निंग आउटकम्स, शिक्षा से प्राप्ति, और इसलिए इस पर इसमें जोर है। इसमें वर्ल्ड बैंक के द्वारा यह सहाय प्रोग्राम है। 3700 करोड़ रुपए वर्ल्ड बैंक भारत सरकार को देगा, वो भारत सरकार इस कार्यक्रम में लगाई है। राज्य सरकारें 2000 रुपए अपना देंगे और अभी ये 6 राज्यों में हिमाचल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल और उड़ीसा में ये वर्ल्ड बैंक असिस्टेड प्रोग्राम चलेगा। ऐसा ही एक प्रोग्राम एडीबी के माध्यम से गुजरात, झारखंड, उत्तराखंड, आसाम और तमिलनाडु, इन राज्यों के लिए भी चलेगा।